हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ सभी मेरे भाई अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि फाइनली हम घर से निकल चुके हैं। हम लोग जा रहे हैं मिर्ज़ापुर के विंडम फॉल। दोस्तों काफ़ी दिनों से प्लानिंग हो रहा था जाने के लिए, तो फाइनली आज हम जा रहे हैं। आज है संडे, तो पीछे देख पा रहे होंगे हमारे दोस्त लोग तैयार हुए हैं। ठीक है, तो जैसे दोस्तों मैं आपको मिर्ज़ापुर के विंडम फॉल में पहुँचेंगे, वहाँ का आपको मैं व्यू दिखाऊँ किस तरीके से है। और मैं आपको बता दूँ, अगर आप फोर व्हीलर से जाना चाहते हो या बाइक्स जाना चाहते हो, उसका अलग से चार्जेस लगते हैं स्टैंड का। फोर व्हीलर का अलग साइड होता है और बाइक का अलग साइड होता है। ठीक है, तो मैं आपको पिछले संडे की बात बता दूं। पिछले संडे हमारे मोहल्ले से करीबन 15 से 20 आदमी गए थे वहाँ पे एंजॉय करने के लिए। वो लोग आकर मुझे बताया कि भाई आप जाओ वहाँ पर वीडियो बनाओ, वहाँ का नज़ारा मानसून बहुत ही खूबसूरत है। तो क्यों ना सो दोस्तों आपको भी वीडियो बना कर दिखाया जाए, साथ ही साथ मैं आपको बताऊँगा कि विंडम फॉल किस तरीके से है। तो बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। जैसे देख पा रहे होंगे फाइनली हम मिर्ज़ापुर के पुल पर खड़े हैं और देख पा रहे हैं पानी का बहाव किस तरीके से है। बहुत ही ज़्यादा पानी है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और जो है मिर्ज़ापुर का पुल 1 किलोमीटर दूरी पर है ये। तो हमारे साथ हमारे दोस्त भी पीछे हैं तो यहाँ पे सेल्फी पिक ले रहे हैं। और यहाँ से हमको 20 किलोमीटर भी अंदर जाना होगा विंडम फॉल। दोस्तों यहाँ का मंजर ऐसा है तो विंडम फॉल का क्या मंजर होगा? तो जैसे ही मंजर होगा मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाऊँगा। और ये हमारे रहे आशिक भाई। दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं विंडम फॉल के बाइक स्टैंड पर। आप देख पा रहे हो यार बाइक मैंने जमा कर दिया है। इसका जो चार्ज लग रहा है 20 रुपये। अगर आप फोर व्हीलर से आ रहे हो वो लगेगा आपको 50 रुपये, चाहे दिन भर रहो, चाहे 2 घंटे रहो, चाहे 1 घंटे रहो, चार्जेस 50 रुपये हैं। तो आप देख पा रहे होंगे सभी हमारे भाई लोग इंजॉय करने के लिए आए हैं। तो सभी हमारे भाई लोग इंजॉय करने आए हैं विंडम फॉल। बहुत ही अच्छा लग रहा है और आप देख पा रहे होंगे भीड़ है। अगले संडे जो आए, 2 संडे छोड़ करके बहुत ही ख़तरनाक भीड़ था यहाँ पे। लोग बाइक करने के रखने की जगह नहीं थी। तो बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे एक छोटा मोटा सा पार्क है तो मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। देख रहे हो ये रहा विंडम फॉल का गेट, प्रवेश द्वार। तो बहुत ही अच्छा लग रहा। तो चलिए आपको लेके अंदर लेके चलते हैं किस तरीके से विंडम फॉल है। तो देख पा रहे होंगे ये मैंने एंट्री कर लिया है और ये रहा पार्क। तो अभी बहुत ही घास है अंदर, देख रहे होंगे। और सभी लोग वहाँ इंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे हाथी पार्क है, आप देख पा रहे होंगे हाथी के अंदर जाएंगे मुंह में से निकलेंगे इस तरीके से। और सभी लोग इंजॉय कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो ये मिर्ज़ापुर का टॉप जगह है, ये इसको कहते हैं विंडम फॉल। तो अंदर बहुत लोग दूर दूर से आते हैं नहाने के लिए, इंजॉय करने के लिए। और यहाँ पे अपना खाना बना करके लोगों में खिलाते हैं पिलाते हैं। और देख पा रहे होंगे तो दोस्तों मेरी वीडियो बहुत ही कमाल खो ना दिया, लास्ट तक बने रहिए आप। मैं आपको अंदर लेके चलते दिखाता हूँ किस तरीके से लोग नहा रहे हैं, इंजॉय किस तरीके से कर रहे हैं लोग। और यहाँ पे खाने पीने चीज़ें प्लस, अगर जो चीज़ 10 का रहेगा 15 का मिलेगा, 20 का रहेगा 25 का मिलेगा इस तरीके। क्योंकि यहाँ पे मार्केट नहीं है, हट के है, करीबन यहाँ से 15 किलोमीटर दूरी पे मार्केट है। और ये देख पा रहे हो ये बिसलेरी का पानी, मैं आपको दिखा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। तो भैया ये पानी कितने की है? पानी 20 रुपये की पानी है। ठीक है, ये 20 रुपये की पानी है, इनका कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और उधर देख पा रहे हमारे भैया लोग इंजॉय कर रहे हैं पार्क में। आपके चैनल का नाम तो देख पा रहे होंगे भाई, बहुत अच्छा अपना इंट्रोडक्शन दिए हैं। ये भी ये हमसे पूछ रहे हैं आप कहाँ से हैं, तो मैंने बोला कि मैं भदोही कटा बाजार से हूँ। तो कह रहे भाई आपसे मिल करके बहुत ही अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू। मैंने कहा धन्यवाद। कटरा बाजार के हमारे रहने वाले बड़े भाई हैं। अच्छा, आपके बड़े भाई कटरा बाजार में रहते हैं? बबलू नाम है उससे लोग उनका, मतलब कि मेन नेम जो है वो शैलेश है। शैलेश है, हाँ। वो बाबा के नाम से वहाँ से, मतलब मशहूर है बाबा। अच्छा, डिश वाले। क्या काम करते हैं? वो डिश का काम करते थे अभी। अच्छा, अभी 2-4 महीने से छोड़ के इधर चले आए। अच्छा, इनका भाई मतलब वहाँ रहते हैं, डिश का काम करते हैं। कटरा बाजार में ही। हाँ, चांदनी मार्केट है। चांदनी मार्केट में। तो आप देख पा रहे हो सभी हमारे भाई इंजॉय करके आ रहे हैं लोग। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे सभी लोग जा रहे हैं अंदर नहाने के लिए। बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही पब्लिक आ रही है, जा रही है और अपना खाना पीना लेकर के आ रही है। लोग कुछ लोग हैं कि वहाँ पे नहा करके खाना बना करके खा करके फिर नहा रहे हैं। देख पा रहे होंगे जब मैं पहले आया था, करीबन 2 साल पहले आया था, ऐसा नहीं था। तो यहाँ पे
बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ गई है, पेड़ बहुत पौधे ज़्यादा हो गए हैं। और हमारे भाई आशिक भाई और यहाँ हमारे भाई लोग, देख पा रहे हो सभी लोग जा रहे हैं, पार्क का आनंद ले रहे हैं। ये रहा आपका एंट्री प्रवेश द्वार, ऐसे एंट्री करके टर्न करके अंदर जाना पड़ेगा, टर्न करके जाना पड़ेगा। फाइनली मैं आ चुका हूँ विंडम फार्म के अंदर, अब जा रहा हूँ नहाने के लिए। सभी हमारे भाई देख पा रहे होंगे साथ में हैं, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पानी का बहाव बहुत ही तेज़ी से बह रहा है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ और लोग किस तरीके से नहा रहे हैं देख पा रहे होंगे, बहुत ही अच्छा लग रहा है। देख रहे हो पानी की आवाज़, देखिए आप पानी किस तरीके से लाउड कर रही है, देख रहे हैं। और हमारे साथ रिजवान भी है। तो दोस्तों कहीं मैं आपको बता दूं, यहाँ से कहीं 45 किलोमीटर दूरी पे है ये विंडम फॉल। इसके दो संडे की बात की मैं बता दूं, बहुत ही भीड़ आता है यहाँ पे, तो अभी फ़िलहाल कम है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिखा है डेंजर जोन, आगे जाना ना जाएं। देख पा रहे होंगे हमारे सिकंदर भाई भी साथ में है, आशिक भाई भी साथ में है, और ये रिजवान है ही है। मैं आपको बैक कैमरा करके दिखा रहा हूँ किस, तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे लोग किस तरीके से नहा रहे हैं विंडम फॉल में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, देख रहे होंगे। और वहाँ पे डेंजर जोन है, आगे जाना सख्त मना है, वहाँ पे खतरीला जगह है, तो क्या फ़ायदा, ज़िंदगी बहुत ही अनमोल है, रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो आप देख पा रहे होंगे पब्लिक, देखिए पानी की आवाज़, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ लवली भाई। अरे आवाज़ शर्माद का है यार, शर्माइए नहीं आइए, यही माहौल है, यही दस्तूर है, यही मौका है। किस तरीके से लोग नहा रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ रहा है, लोग बहुत ही दूर दूर से आए हैं नहाने के लिए। यहाँ हमारे भाई लोग कुछ बंदे हैं जो कि बनारस से आए हैं यहाँ पे नहाने के लिए, तो बहुत ही अच्छा लगा। ये इसका जगह है मिर्जापुर विंडम फॉल, बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो आप नहाओ इंजॉय करो फुल मज़ा एकदम। और मैं आपको बता दूँ जो हमारे भाई बंधु दूर दूर से हैं, वो अपना आ करके यहाँ पे खाना बना करके बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे नहा रहे हैं खा रहे हैं और फिर इंजॉय कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, चैनल बनाया तो सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करो दोस्तों, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।